ओम शांति। आप सबको स्वागत है आज के ही 14 मई के ईश्वरी वरदान में। अभी हम रात्रि के समय पर सूर्यदान की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी समय तक बिजी थे। ब्रह्म कुमारी का प्रोग्राम चल रहा है दार्जिलिंग में, तो आज हम पता करेंगे कि परमपिता परमात्मा कैसे हमें अचल बनाते हैं कि कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हमारे लिए वो नथिंग न्यू, कोई नई बात ना हो, क्योंकि उसको हम इनफाइनाइट कहने का मतलब है बेहद टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स उस चीज़ को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो देखें परमात्मा कहते हैं, बाबा कहते हैं ज्ञान के राजों को समझ। परमात्मा ने ऐसे ऐसे ज्ञान के पॉइंट्स दिए हैं कि किसी भी प्रकार से मन बुद्धि कभी भी विचलित नहीं हो सकता, भटक नहीं सकता। तो परमात्मा कहते हैं ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भवा। कि ज्ञान के जो राज हैं उनको समझ, सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भवा। तो निश्चय बुद्धि होंगे तो फिर ज्ञान के पॉइंट्स को यूज करेंगे और तब जाकर के कोई भी अगर विघ्न आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा, उसको हम उस नॉलेज के पॉइंट से इस्तेमाल करके उसको हम खत्म करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा कि हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, परमात्मा मेरे साथ है, मेरा साथी है और मुझे ये जो विघ्न आया है इसको एक गेम के जैसे रहना है। लेकिन अगर इसको मैंने अपना पर्सनल विघ्न ले लिया, मैं ही ठीक करूँगा, मैं करके दिखाऊँगा, तो हमारे अंदर भारी बना जाता है और हम विघ्न विनाशक नहीं हो पाते हैं। हम फिर प्रॉब्लम फोकस्ड, प्रॉब्लम सेंट्रिक बन जाते हैं इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन सेंट्रिक। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। मतलब कि मैं आत्मा लाइट जो इस कर्म को, इस विघ्न को सॉल्व कर रही हूँ, और मेरे साथ मेरा परमपिता परमात्मा प्रकाश लाइट, जैसे कि आप पीछे इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो मैं भी आत्मा लाइट हूँ, प्रकाश हूँ, परमात्मा भी लाइट है, प्रकाश है, तो उनके साथ में रह करके मैं किसी भी विघ्न को सॉल्व कर सकती हूँ आत्मा, या कर सकता हूँ आत्मा, डजेंट मैटर, है ना, फर्क नहीं पड़ता। आत्मा क्योंकि न स्त्री है और न ही वो पुरुष है, लेकिन वो पुरुष उत्तम है। परमात्मा कहते हैं ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है। अगर आपको कोई बता दे कि ये ड्रामा में आगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या एक्सपेक्टेड है, तो आप लोग वो चीज़ नहीं रहेगी, वो नथिंग न्यू होगी, कोई पुरानी चीज़ है, पता है इसके बारे में क्या होने वाला है, अगला सीन पता है। किसी मूवी को अगर आप इनफाइनाइट टाइम्स देख लो, अनगिनत टाइम्स, चलो ठीक है 20 टाइम ही देख लो, आपको पता होगा कि अगले सेकंड क्या होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे मूव होगा। तो उसी तरह से परमात्मा कहते हैं ये जो वर्ल्ड की जो मूवी है, इसमें अगर आपको पता चल जाए कि ड्रामा ये कैसे चलता है, कैसे कैसे एक्टिंग होती है, तो आपके लिए नथिंग न्यू रहेगा और कोई भी विघ्न आएगा तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे। परमात्मा कहते हैं ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है, नई बात नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है, अनेक बार विजयी बने हैं। कि हमने अनेकों बार विजय पाई है जो भी परिस्थिति आई, जो भी प्रॉब्लम आई उसके ऊपर। ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले, अब ये राज तो आप आकर के 7 दिन का जब कोर्स करेंगे, जब आपको पता चलेगा कि कितने हजारों सालों का ये साइकिल है, ये साइकिल कैसे चलता है और इस साइकिल के ज्ञान को हम कैसे इस्तेमाल करें ताकि हमारे मन और बुद्धि स्टेबल हो जाए। राज को समझने वाले बच्चों को का ही यादगार अचल घर है। अचल मतलब कि कोई चीज़ जो हमें डिस्टर्ब ना कर सके, हम ऐसा ना हो कि कुछ हुआ तो हम चलायमान हो गए, मतलब बुद्धि बिल्कुल क्या होगी, अस्थिर हो जाए। तो अचल घर, ऐसा घर जो कि कभी हिले डुले ना, हमारा मन ऐसा बन जाए, परमात्मा चाहते हैं। तो उसके लिए ये ज्ञान क्या है, कैसे है, ड्रामा का क्या राज है, जो कि अगर हम पता कर लें तो हमारी बुद्धि स्टेबल हो जाए। आप भी जाकर के ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर के इसका पता कर सकते हैं। इसके साथ ओम शांति।